वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अपने जो डॉक्टर्स हैं, हमारे देश भर में जो डॉक्टर्स हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं ताकि आप और हम स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, इसलिए आज इस प्रोग्राम में हम अपने डॉक्टर्स को ऑनर करना चाहते हैं। और अपने इस प्रोग्राम को और स्पेशल बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक डॉक्टर फैमिली। वाओ, एक पूरे डॉक्टर फैमिली से मिलवाएंगे आप? नॉट वन और टू बट अ डॉक्टर फैमिली इज जॉइनिंग अस टुडे एंड आज हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर सतीश मैथ्यू का, डॉक्टर शरीन मैथ्यू एंड डॉक्टर प्रियंका मैथ्यू। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर सतीश एंड डॉक्टर शरीन एंड डॉक्टर प्रियंका मैथ्यू ये सीएमसी लुधियाना के एलुमनाई हैं और इस समय ये नोएडा में अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। और डॉक्टर सतीश मैथ्यू एक रिनाउंड कार्डियोवास्कुलर सर्जन हैं और डॉक्टर शरीन मैथ्यू क्रिटिकल केयर यूनिट में स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर प्रियंका मैथ्यू ने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया है और देहरादून के पास एक छोटे से गांव में वो सेवा कर रही हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू एक नई जिंदगी। वी अंडरस्टैंड कि ये जो पैंडमिक का समय है ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और ख़ास करके हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं यानी कि आप लोगों के लिए, तो कैसे प्रेशर्स आपने इस समय में एक्सपीरियंस किए? सो वी हैड हमारे पास ना काम की प्रेशर्स थी और फैमिली प्रेशर्स थी। काम की प्रेशर में ऐसे था कि इतना सारा काम और काफ़ी हेल्पलेसनेस थी हमारे में, क्योंकि इतने ढेर सारे पेशेंट, इतने सिक पेशेंट और हम बहुत लोगों में कुछ कर नहीं पाए। हमारी सारी जो ज्ञान थी और टेक्नोलॉजी थी, फिर भी वो पेशेंट्स इतने सिक थे कि हम हेल्पलेस महसूस करते थे। तो ये है कि इस टाइम में हमने ना काफ़ी सारे फैमिलीज पूरे वाइप आउट हो गए और वो बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा हमारे लिए। डेथ, टू सी सो मच ऑफ डेथ इज वेरी ट्रॉमेटिक। जब इतनी मौतें आपने देखी और इतनी परेशानी और इतना जो पेंडेमिक का तूफान में आप काम करते हैं, मौत की वादी की साइज से, द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ से जब आप काम करते हैं, तो आपके विश्वास को कैसे आप कायम रखते हैं? हाउ डू यू होल्ड ऑन टू योर फेथ? सो दैट इज वेयर यू नो व्हेन यू सी सो मच, जब आप इतना सारा निराश और बहुत ही सैड वाली एनवायरनमेंट में आप रहते हो, आप कभी आपके मन में ऐसे महसूस होता है कि ऊपर वाले जीसस आप कहाँ हो? एंड कभी कभी आप इतने निराश हो जाते हो कि आप दुआ करने के लिए भी भूल जाते हो। एंड एट दैट टाइम इट इज़ द प्रेयर ऑफ योर फैमिली और वो आपके जो मम्मी डैडीज हैं, आपके जो पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं, हमारे चर्च मेम्बर्स, हम लोगों को सब दुआओं में उठा के उस टाइम हमें उन्होंने उठाया। What a beautiful lesson, कितनी खूबसूरत बात है कि जो भी परिस्थिति हो हम खुदा की ओर पुकार सकते हैं और वो एक राह निकाल सकता है हमारे लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या फर्क है? मतलब what difference do you see? So the first wave was very mild in the sense that we were well prepared for it. जब सेकेंड वेव आया तो एक तो कोई भी प्रिपेयर नहीं था, सब लोग आराम करने लग गए थे कि भाई ये तो हो गया ख़त्म, और उस टाइम पे ये अटैक किया है और जो यंगर लोग भी आ गए इसमें और नंबर ऑफ पीपल भी बहुत ज़्यादा था और इस बार जो है डिजीज ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया और ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, यहाँ पे हॉस्पिटल शॉर्ट हो गए, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था पेशेंट्स के लिए भी। और प्रियंका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय में आप तो एक छोटे से गांव में आप सर्व कर रहे हैं और आपके चैलेंजेस शायद कुछ अलग रहे होंगे, तो व्हाई डोंट यू शेयर योर चैलेंजेस विद अस? तो मैं देहरादून के पास एक रूरल एरिया में काम करती हूँ, एक मिशन हॉस्पिटल है, तो मिशन वाले वैल्यूज भी हम अपने वर्क में इनकल्केट करके चलते हैं, पर यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। शहर जैसा नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे हमारे पास
एंड इतने सारे पेशेंट्स थे, एट वन पॉइंट इतना ओवरवेल्म हो गया था पूरा हॉस्पिटल. हमारे पास 50 बेड्स थे, बट इन एवरीथिंग हमारा मॉर्निंग डिवोशन से शुरू होता है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे जीसस का हाथ देखते हैं इन एवरीथिंग दैट वी डू. कुछ लोग जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, दे स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग. एंड हर पेशेंट के लिए दुआ होती है यहाँ पे सुबह, हर सुबह और शाम जैसे हमारे राउंड्स होते हैं. हम बातें करवाते हैं पेशेंट्स को, वीडियो कॉल करा के अपने रिलेटिव्स के साथ उनके साथ प्रार्थना करते हैं. तो वो एक वर्स है बाइबल में इन साम 23, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वॉन्ट. तो ये वर्स जो है ये हमें एंकर करता है. आगे जाके ये साम बोलता है कि इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई शैल फियर नो ईविल. तो ये शैडो ऑफ डेथ जो हो गया था हमारे लिए, ये डेविड का बैटल फील्ड नहीं था. इट वॉज नो लॉन्गर डेविड्स बैटल फील्ड. इट वॉज जो हमारा रोज़ का एवरीडे वर्क प्लेस था, जो हमारे आईसीयूज थे, जो हमारे वार्ड्स थे. जैसे हम चलते थे एंड पेशेंट्स वहाँ पे गैस कर रहे होते थे, रो रहे होते थे फैमिली मेम्बर्स को देखने के लिए, और हम वहाँ पे फर्स्ट हैंड उनको पकड़ते थे, उनको प्रोन पोजिशन में डालते थे. तो ये हमारा शैडो ऑफ डेथ था. एक क्वेश्चन हमेशा आता था हमारे मन में कि व्हाट इज स्टॉपिंग दिस वायरस फ्रॉम कमिंग टू अस. हम क्या है, ये पीपी में ब्रीच करना बहुत आसान है. 12 घंटे की ड्यूटी में कभी ना कभी पानी तो पीना होता है, कभी इतनी गर्मी लगती थी हमें. बट व्हाट इज स्टॉपिंग दिस वायरस फ्रॉम कमिंग टू अस. एंड जो लोग बोलते थे इट वॉज़ द ब्लड ऑफ जीसस एंड वी यूज टू टेक इट लाइटली, बट एक्चुअली इट वॉज God's hand, it was His presence, it was His angels जो हमें हर वक्त आके protect करती थी. Thank you Priyanka. And if you go a little further, it says, for thou art with me. खुदा हमेशा हमारे साथ है उसमें. So it is a very powerful psalm. In all, it portrays what we have gone through and carried through this whole last 1.5 years. Every time I was called for any patient, this was on top of my mind, and it was a very important psalm for anybody, I feel, in times of such trouble. God bless you and remain faithful, vishwas yogi rahiye, और ग्रेट इज योर रिवॉर्ड. खुदा आपको बहुत बरकत देगा. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू सो मच कि आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आए. आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपना समय शेयर किया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.